हे दोस्तों, आज दुनिया COVID-19 की वजह से बहुत ही बुरी स्थिति में आ चुकी है। सभी जानते हैं कि आंकड़े क्या है। पूरी दुनिया इस समय इकोनॉमिकली और इमोशनली इस COVID-19 की मार झेल भी रही है। आगे आने वाला समय और भी टफ होने वाला है। रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काटनी शुरू कर दी है और स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हो चुके हैं उन्हें भी रिजेक्शन का मेल भेजना चालू कर दिया है। स्थिति और भी बुरी होने वाली है। बहुत लोगों की जॉब्स भी जाने वाली है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। अब ये मत समझिए कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। आज मैं खुद अपनी कंपनी में इस पोजीशन पे हूँ कि ये टफ डिसीजंस को लेते देख रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि इस टफ टाइम में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय को फेस कर सकें। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है ऑनलाइन लर्निंग। इस समय को भरपूर यूटिलाइज कीजिए। आप फ्री हैं तो कोई भी अपने पसंद का कोर्स लीजिए और उसमें सर्टिफिकेशन लीजिए। सर्टिफिकेशन जॉब पाने में बहुत मदद करता है। मैंने बहुत सारे रेज्यूम देखे हैं जिसमें लोग अपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताते हैं और ट्रस्ट कीजिए वो कैंडिडेट्स जरूर शॉर्टलिस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो है NPTEL कोर्सेज। NPTEL कोर्सेज वैसे तो फ्री हैं, लेकिन आप 1100 या 1500 रुपए देके इसको सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। बस आपको एक एग्जाम देनी है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है और आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। NPTEL कोर्सेज का अब बहुत महत्व बढ़ गया है क्योंकि ये IIT के प्रोफेसर्स ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको अब जानने लगे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो Udemy या कोर्सेरा से भी कोर्सेज कर सकते हैं, या जो आपको ऑनलाइन पोर्टल अच्छा लगता है आप उस पे जाके अभी इस समय कोर्सेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, लर्न लर्न एंड लर्न। आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने NPTEL कोर्सेज के बारे में बताया है और किस स्ट्रीम में किस कोर्स को करना चाहिए ये भी इस वीडियो में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगली चीज आप जो कर सकते हैं वो है नेटवर्किंग। अब मेरा मतलब सोशल या फिजिकल नेटवर्किंग से नहीं था। आप एक लिस्ट बनाइए अपने दोस्तों की या रिलेटिव्स की या अपने कॉलेज के एलुमनी की जो किसी कंपनी में अच्छी पोजीशंस पर हैं। उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बेशरम बन जाइए क्योंकि आपको जॉब चाहिए। उन्हें रेज्यूम भेजिए, उन्हें मैसेज भेजिए। सबसे बेस्ट तरीका है लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू उनको कांटेक्ट करिए, उनको मैसेज भेजिए। और अगर आपको जॉब की सख्त जरूरत है तो चाहे तो थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और लिंक्डइन के प्रीमियम अकाउंट को भी ट्राई करिए। इसके अलावा आप चाहे तो Naukri.com, Monster.com या Indeed पे भी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप कर सकते हैं वो है मार्केट को अंडरस्टैंड करना। जैसे इस समय कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुके हैं और ये बहुत बड़े जायंट्स हैं। इनको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये सिस्टम बहुत ह्यूज है। सो इस फील्ड में आप जॉब को एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दीजिए। आपको प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया इज अ बिग मार्केट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। रिसेशन में हमेशा ये देखा गया है कि जॉब्स इंडिया में माइग्रेट करती हैं क्योंकि इंडिया एक सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आप कैड सॉफ्टवेयर्स लाइक प्रोई, ऑटो कैड या इलेक्ट्रिकल कैड को लर्न कीजिए और हो सके तो थोड़ी कोडिंग भी सीखिए। अब जो लोग सॉफ्टवेयर से हैं, अगेन उनके सामने वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड की जॉब्स बहुत आने वाली है क्योंकि अभी सभी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रेटेजी को अपनाया है और देखा है कि क्लाउड की बहुत जरूरत है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच से हैं तो एम्बेडेड और कोडिंग को सीखिए। इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन ये एक नई स्किल चल रही है मार्केट में, इसको जरूर सीखिए। और जो लोग कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हैं, नेटवर्किंग में बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। तो इसका मतलब अपने फील्ड के हिसाब से मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए और उसी तरीके से जॉब को टारगेट कीजिए। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है रेज्यूम। कोई भी रिक्रूट करने वाला सबसे पहले आपका रेज्यूम को ही देखेगा। आपका रेज्यूम दूसरों के रेज्यूम से ऊपर उठना चाहिए, इम्प्रेसिव लगना चाहिए और क्रिस्प लगना चाहिए। अगर आप चाहें तो आजकल के ट्रेंड जो कि विजुअल रेज्यूम का है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारी एक सर्विस है जो आपके रेज्यूम को विजुअल रेज्यूम में कन्वर्ट करती है। अब आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन टूल भी ट्राई कर सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली फ्री। रेज्यूम के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। पहला कि कैसे एक इफेक्टिव रेज्यूम बनाया जाए, दूसरा कि आप कैसे हमारे टूल को यूज कर सकते हैं विजुअल रेज्यूम को बनाने के लिए। एक बात को याद रखिए गाइस कि रेज्यूम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बस इतना करना है कि आप www.careerAplus.in/visualresume पे जाइए। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज आपका एक बैकअप प्लान हो सकता है। ये ऑप्शन अच्छा है अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है। ये हायर स्टडीज करने का बहुत अच्छा समय है। इसका रीजन है कि रिसेशन अक्सर एक या दो साल में खत्म हो जाता है और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी
उस समय आपकी हायर स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी और जॉब के लिए आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो गेट, एमबीए, जो भी एंट्रेंस एग्जाम देनी है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा एग्जाम प्लान का टूल यूज कर सकते हैं टारगेटेड स्टडीज के लिए। आप चाहें तो www.careeraplus.in/exam-plan पे जा सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एग्जाम प्लान टूल को अच्छे से समझाने के लिए और इसके बैकग्राउंड को समझाने के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब इस वीडियो में तो इतना ही। मैंने अभी तक लाइव सेशन तो लिया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के इस समय डाउट्स बहुत होंगे और शायद लाइव सेशन से हेल्प हो जाए। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि लाइव सेशन का आइडिया अच्छा है कि नहीं। सेकेंडली, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।